जी हाँ, कांस में जहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने कई सारे सितारे पहुंचे हैं, पूजा हेगड़े, उर्वशी रौतेला, दीपिका पादुकोण समेत कई सारे सिंगर्स भी। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हिना खान को इग्नोर्ड और इंसल्टेड महसूस हुआ। हिना खान ने एक इंडियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंडियन पेविलियन का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, जब ओपनिंग सेरेमनी थी, तो वहां हर कोई था, लेकिन वहां मुझे नहीं बुलाया गया था। मैं वहां बतौर ऑडियंस भी तो हो सकती थी, कम से कम उन लोगों को चीयर ही करती जो घूमर कर रहे थे। हिना ने कहा कि मुझे उनके घूमर की वीडियो बेहद पसंद आई। लेकिन अब भी हमारी सोसाइटी में कहीं न कहीं एलीट सिस्टम है, और इसके लिए मैं अपने साथी एक्टर्स को नहीं बल्कि सिस्टम को ब्लेम करूंगी। ये सिस्टम कुछ ऐसे ही काम करता है। आगे हिना ने हंसते हुए ये कह दिया, खैर क्या पता अगले साल मैं उस इनॉग्रेशन में हो पाऊं। वेल, हिना की बात तो बिल्कुल सही है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से जो सितारे आए थे, बिना किसी फिल्म के, बिना किसी प्रोजेक्ट, बिना किसी ब्रांड के, उन्हें इतनी तवज्जो दी जा रही थी। लेकिन वो लोग जो असल मायने में इंडियन फिल्म्स को रिप्रेजेंट करने आए थे, जैसे हिना खान, उन लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस हद तक इग्नोर किया गया कि इंडियन पेविलियन में बुलाया ही नहीं गया। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।